में आज से उद्धव युग की शुरुआत हो गई है। दशकों पुराना शिवसेना का सपना भी कैसे साकार हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधान। जिस शिवाजी पार्क से शिवसेना की स्थापना हुई थी, उसी पार्क में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता को जो वचन दिया था कि एक दिन महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम बनेगा, उसे भी साकार कर दिया। कई दशक पहले उद्धव ठाकरे ने अपने पिता को वचन दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा दिन आएगा जब शिवसैनिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। भले ही इस सपने को साकार करने में काफी लंबा वक्त लगा हो, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एक शिवसैनिक ने उसी जगह पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जहां पर दशकों पहले पार्टी की स्थापना हुई थी। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तरेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रोहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। शिवाजी पार्क से शिवसेना और बाला साहेब का बहुत पुराना रिश्ता है। इसी पार्क में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी और हर चुनाव में बाला साहेब इसी मैदान में चुनाव की हुंकार भी भरते थे। जब शिवसेना की कोई बड़ी रैली होती थी तो वो भी शिवाजी पार्क में ही होती थी। और आज शिवाजी पार्क के साथ ही शिवसेना का एक और इतिहास जुड़ गया। जिस पार्क में पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी पार्क में शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे ने शपथ ली। उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई ने भी शपथ ली। इसके साथ ही एनसीपी के जयंत पाटिल और कांग्रेस के छगन भुजबल ने भी शपथ ली। उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण काफी यादगार हो गया। देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी से लेकर कई पार्टियों के नेताओं ने शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। बीजेपी के नेता भी मंच पर मौजूद रहे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और मंत्रियों के बंटवारे पर तीनों दलों में बाद में बैठक होगी, जिसके बाद उद्धव के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि किस पार्टी के कोटे में कितने मंत्री आएंगे, इस पर पहले ही मंथन हो चुका है। अब सिर्फ औपचारिकता ही होना बाकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में आज से उद्धव युग की शुरुआत हो गई है और शिवसेना के लिए आज का दिन महाराष्ट्र के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उद्धव ठाकरे ने मंच पर ही लेटकर जनता को प्रणाम भी किया और ये संदेश देने की कोशिश भी की है कि वो महाराष्ट्र के गरीबों और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से सुलझाएंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।